Hi friends, how are you all? आज हम बनाएंगे बहुत सारे DIYs एंड वो भी बैक टू स्कूल थीम पर। ये सारे बुकमार्क्स तो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट एंड यूनिक बनाएंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं कुछ रिक्वायर्ड थिंग्स। वैसे ये सारे DIY बनाए हुए बुकमार्क्स तो आपको याद है ना, चलिए आज इसमें एक और ऐड करते हैं, समथिंग यूनिक वन। तो ये है वाटर कलर शीट जिसमें मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगी पेंसिल से। अब आपको लगेगा कि ऐसा तो मैं हर बार करती हूँ, इसमें डिफरेंट क्या है? बट यस, मैं आपको एक हिंट जरूर दे सकती हूँ। इस बार ना हमने सारी थिंग्स को ओवरलैप किया है। नाउ एनी गेसेस? इफ यस देन कमेंट्स में जल्दी से बताइए, और अगर पता नहीं चला तो अभी आपको पता चल जाएगा। एंड यस यस, हम इसमें वाटर कलर्स यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले ड्राइंग को एकदम जेंटली इरेज करना होगा। तो वो मैंने वैसे इरेज कर लिया कि वाटर कलर करना हमें पाए, लेकिन वैसे लाइनिंग्स दिखे नहीं। तो ये है वाटर कलर केक्स एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। वैसे वाटर कलर्स करने में तो फास्ट फास्ट हो ही जाता है, लेकिन क्लीनिंग करते वक्त उसके ब्रशेस इजीली क्लीन हो जाता है। तो क्या वाटर कलर्स आपको भी बहुत पसंद है? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर यूज करके अवर कलरिंग इज डन। नाउ लेट्स डू आउटलाइनिंग, एंड उसके लिए मैंने यूज की है परमानेंट मार्कर। सो 3, 2, 1 एंड इट्स डन। मुझे ना इसकी बॉर्डर प्लेन व्हाइट रखनी थी, सो पेंसिल से लाइनिंग करके मैंने कट कर लिया। आई थिंक अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें यूनिक क्या है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस इज पंच करके थ्रेड लगाना, बट ऑफ कोर्स उसमें भी तो कुछ यूनिक होगा। सो टेसल्स के राउंड बना के उसकी नोट कुछ इस तरह से मेन में ही डायरेक्टली अटैच कर ली। एंड फाइनली हमारा कटआउट वाला बुकमार्क रेडी है। सो बुकमार्क तो बन गया है फ्रेंड्स, अब कुछ और अमेजिंग बनाते हैं। उसके लिए ये है हमारे पास वुडन स्लाइस जो थोड़ी सी लॉन्ग है। हाँ, हम इसे रूम डेकोर तो जरूर बनाएंगे, लेकिन साथ साथ में बैक टू स्कूल भी बनाएंगे। वो कैसे? ऐसे। तो सबसे पहले हम इस वुडन स्लाइस को कर लेते हैं कलर। व्हाइट एक्रेलिक पेंट से बेस तो बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कौन सा कलर करें? तो ये सारे डिफरेंट कलर्स में से फाइनली चूज हुआ येलो कलर। नाउ इट्स डन, और इसे थोड़ी देर ड्राई होने भी रख दिया था। अब अप्लाई कर लेते हैं वार्निश। तो ये है दो डिफरेंट कलर्स के क्राफ्ट पेपर्स, एंड इनसे हम बनाएंगे पेपर पॉकेट्स। तो पेंसिल से मैंने मेजरमेंट्स ले लिए एंड उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग्स कर लिए। फिर सारी जगह से इस टाइप से फोल्ड कर लिया, एंड जैसा कि मैंने कहा हम बना रहे पेपर पॉकेट्स, तो यहाँ यहाँ से कट कर लिया। अब फेविकॉल की हेल्प से इसे स्टिक कर दिया एंड इट्स रेडी। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। बाय द वे, ये वाले DIY में हमें ऐसे 2 पॉकेट्स चाहिए, तो मैंने ऐसा और एक भी बना लिया। मीनवाइल मम्मा ने फ्रूट बॉल बनाया था, सो मैं वो लेके आ गई, एंड फिर मैंने कंटिन्यू किया आगे का DIY। एंड अब फाइनली ये दोनों पॉकेट्स की फाइनल पोजीशंस डिसाइड करके दोनों को स्टिक कर दिया। नाउ व्हाट विल वी राइट ऑन इट? डू इट एंड डिड इट। इसके लिए मैंने यूज की पोस्का मार्कर एंड फिर व्हाइट कलर से कर ली बॉर्डरिंग। अरे वाह दीदी, ये तो एकदम सुपर लग रहा है। बट ये तो बताओ कि ये पॉकेट्स में हमें क्या रखना है? यस ऑफ कोर्स, बट पहले ये पोस्का मार्कर से डेकोरेशन कंप्लीट हो जाए, और तब तक आप लोग अपने आज के पेंडिंग टास्क का लिस्ट तैयार रखिए। फिर उसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फाइनली इट्स रेडी। अब मान लीजिए कि ये सारे हैं आपके आज के पेंडिंग टास्क, तो आपको सबसे पहले ये रखना है डू इट वाले पॉकेट में, फिर एक एक जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे शिफ्ट कर देना है डिड इट वाले में। तो है ना ये एकदम अमेजिंग आइडिया, रूम डेकोर भी एंड DIY बैक टू स्कूल भी। सो विश इट, प्लान इट एंड डू इट। क्विकली बन जाने वाला DIY करें क्या? जिसके लिए चाहिए सिर्फ पंच मशीन, एंड ये कर लिया हमने डिफरेंट कलर्स के पेपर्स को पंच।
एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था कि ये मल्टी कलर राउंड्स को इस पेंसिल पर मैं रैंडमली ये लगाऊंगी एंड इसे बनाऊंगी कन्फेटी पेंसिल, बट ये वाली पेंसिल पर राइटिंग इतनी ज्यादा है सो मैंने सोचा कि राइटिंग के ऊपर इसे स्ट्रेट लाइन में लगाऊं। लेकिन अगर आपकी पेंसिल में से बहुत सारा राइटिंग नहीं है तो आप रैंडमली भी लगा सकते हैं एंड इट्स रेडी। सो कमेंट्स में बताइए कि ये कन्फेटी स्टाइल DIY पेंसिल कैसी लग रही है। अब ये है कुछ प्लास्टिक की बची हुई बैंगल्स जिसे हमने लास्ट नवरात्रि में लिया था कुछ DIY एसेसरीज बनाने के लिए, लेकिन आज हम इसे यूज़ करके क्या बनाएंगे, कैन यू गेस? चलिए मैं बता ही देती हूँ, हम इसे बना रहे हैं DIY स्टेशनरी होल्डर। एंड फाइनली मैंने ये 4 बैंगल्स सिलेक्ट कर ली फॉर दिस DIY जिसे फेविबॉन्ड की हेल्प से स्टिक कर ली एंड सॉफ्ट क्ले को यूज़ करके इसको कुछ अमेजिंगली डेकोरेट किया। एंड yes, पिंक के मैंने 3 डिफरेंट शेड्स यूज़ किए हैं। अब बेस के लिए ले ली मैंने ये MDF शीट जिसके ऊपर मैंने वाइट से सबसे पहले बेस कलर कर लिया एंड उसके बाद येलो कलर एंड ऑफ कोर्स वो ड्राई हो जाने के बाद वार्निश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेस तो बैंगल्स की साइज से थोड़ा बड़ा है तो मैंने ये सिलेक्ट क्यों किया। दैट्स बिकॉज ये बेस हम थोड़ा बड़ा ही रखने वाला है ताकि हमें मोस्ट ऑफ रेडीमेड स्टेशनरी होल्डर्स में जो प्रॉब्लम होता है वो अब ना हो। प्रॉब्लम ये होता है कि इरेजर एंड शार्पनर को कहाँ रखें, तो मिल गया इसका सोल्यूशन। सो इरेजर, शार्पनर या कोई छोटी सी थिंग को हम यहाँ पर रख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये वाला DIY के लिए तो चाहिए सिर्फ आइसक्रीम स्टिक एंड एनी एक्रेलिक कलर। सो मैंने चूज़ किया स्काई ब्लू कलर जो मैं अभी पेंट कर रही हूँ आइसक्रीम स्टिक के ऊपर एंड इट्स डन। अब हम हाफ डेकोरेशन क्ले से भी करने वाले हैं तो सबसे पहले वो कर लेते हैं एंड मैं बनाने वाली हूँ फ्लावर। You guessed it right, ये है डेजी। तो चलो अब इसमें से आई पिन ढूंढते हैं एंड ये मिल भी गई। उसको हाफ कट की, उसमें जंप रिंग की हेल्प से कीडिंग लगाई एंड इट्स डन। एंड आई पिन को स्टिक की फेविकॉल की हेल्प से। अरे नहीं नहीं, ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो डेकोरेशन बाकी है, लेकिन ये पहले इसलिए अटैच कर लिया क्योंकि क्ले के साथ ये सेट हो जाए। चलो तो अब फाइनली करते हैं हमारा डेकोरेशन स्टार्ट। उसके लिए मैंने ले ली पोस्ट का मार्कर। तो ये बना रहे हैं हम बैक टैग जिसके लिए मैंने लिख लिया अपना नेम आइसक्रीम स्टिक के ऊपर एंड फिर कुछ और डेकोरेशन। तो फ्लावर में जो कलर्स लिए थे वही लिए डेकोरेशन में, व्हाइट एंड येलो। एंड इसी के साथ साथ हमारा फटाफट से बन जाने वाला बैक टैग इज ऑल्सो रेडी। सो फाइनली फ्रेंड्स, आवर ऑल DIYs आर रेडी। और आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया जो आप बनाने वाले हो वो कमेंट्स में जरूर बताना। बाय बाय।